वो बीएड आज से सोया नहीं हूँ और अब मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ सोना है मुझे। चौकिया नहीं, मुझे ऐसे कोई ट्रिक्स नहीं आती भाई। ये तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का कमाल है और ऐसा सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस में होता है। तो ये वीडियो है उस सफर का जो मैंने पुणे से स्टार्ट किया था और खत्म किया था सैन फ्रांसिस्को। शाम के 8:30 बजे हैं और मैं पुणे एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं। यहां से मेरा फर्स्ट फ्लाइट है टू दिल्ली और दिल्ली से मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट होगा टू सैन फ्रांसिस्को। दिल्ली पहुंच गया हूं और यहां से मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट होने वाला है। लगभग 15.5 आवर्स का फ्लाइट होगा तो काफ़ी लंबा पेशेंस लगने वाला है। T3 एक हमेशा यादगार एयरपोर्ट रहा है मेरे लिए। जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है और मैं अभी निकला हूँ गेट 3 की तरफ। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद मैं अब थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी रात जाग लूँ बिकॉज यहाँ पे तो रात है लेकिन कैलिफोर्निया में तो अभी दिन चालू है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जागते रहूँ। टू माइल इज द मोस्ट, मुझे लगता है कि सार्थक, शमिका और प्रिया तीनों को मैं इक्वली मिस करूँगा और सबसे ज़्यादा अगर मैं मिस करूँगा तो वो मेरा दांत। और अगर इस दांत ने मुझे इतना सफ़र नहीं कराया होता तो आज ये दांत मेरे साथ सफ़र करता होता। कहने के लिए दांत मेरा विजडम टूथ था लेकिन मेरे विजडम का और इस दांत का कुछ कनेक्शन नहीं लगता मुझे। रात के 2:30 बजे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं सोऊं नहीं ताकि मैं जेट लैग से लड़ सकूँ।
कर लिया अभी। राइड काफ़ी स्पेशियस है, लेग स्पेस काफ़ी है यहाँ पे। पैच है तो इस तरफ चला आ जाएगा और हम सुबह पहुंच जाएंगे यहाँ पे 7 o'clock। अपना लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक तरफ हाथ ही गया, पूंछ बाकी है। ये रही पूंछ। सैन फ्रांसिस्को के हवाई अड्डे पे आपका स्वागत है। यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और मार्च के महीने में जून की अनुभूति हो रही है, जहाँ देखो बहुत सारे बादल नजर आ रहे हैं और तेज बारिश हो रही है। माय नेम इज नीरज। नीरज? या आई एम फ्रॉम इंडिया। मेरे साथ है मेरे शॉपर, उनका नाम है साइमन। This is my hotel California.